अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो है पिछले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगी। पिछले टॉपिक में मैंने आपको प्लांट टिश्यूज़ को समझाया था, उसका एक पार्ट मैंने समझाया था आपको मेरिस्टोमेटिक टिश्यूज़। आज हम उसका दूसरा पार्ट जो है परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको परमानेंट टिश्यूज़ क्या है। परमिनेंट टिश्यूज़ नाम से ही मालूम हो रहा है कि परमिनेंट यानी ऐसे टिश्यूज़ जो मुस्तकिल होते हैं, जिनमें एबिलिटी नहीं होती डिवीज़न की, यानी ऐसे सेल्स जिनमें तकसीम होने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, वो परमिनेंट टिश्यूज़ कहलाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये थिक होते हैं, जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिक टिश्यूज़ होते हैं। इसकी जो है वो ये बनते कैसे हैं, ये दरअसल मेरिस्टोमेटिक की जो डिवीज़न होती है, यानी मेरिस्टोमेटिक सेल्स ऐसे होते हैं कि डिवाइड होने के बाद मज़ीद डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं रखते, तो उनको परमिनेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। अब ये परमिनेंट टिश्यूज़ कहाँ मौजूद होते हैं, प्लांट्स के किन हिस्सों में मौजूद होते हैं, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमिनेंट टिश्यूज़ ये होते कहाँ हैं। सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या है? एपी का मतलब होता है ऊपर, डर्मिनल का मतलब होता है लेयर, यानी ऊपर वाली लेयर। ऐसे टिश्यूज़ जो प्लांट की सरफेस लेयर बनाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब इनकी बात करते हैं, सेल्स इनके कैसे होते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं वो थिक वॉल होते हैं, यानी इनकी वॉल्स की मोटाई होती है। इनमें एबिलिटी नहीं होती है डिवीज़न की, एक ही लेयर बनाते हैं, यानी सिंपल एक लेयर मौजूद होती है। अच्छा, इस लेयर की बात करते हैं तो एपिडर्मल टिश्यूज़ की अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ बता देती हूँ ड्रॉ करके, तो ये इलोंगेटेड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसे काइटिन कहते हैं। यहाँ पर ये एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसे काइटिन कहा जाता है। ये काइटिन क्या है? ये काइटिन जो है ये ऐसा मटीरियल है जिसे जो है हाइड्रोक्सी फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। अब इसे का क्या कहा जाता है? क्यूटिन। क्यूटिन से ही जो है ये सिक्रीट करता है जिसे काइटिन कहा जाता है। आमतौर पे क्यूटिकल लेयर बना रहे होते हैं, तो ये लेयर को असल में हम कहा कहते हैं क्यूटिकल की लेयर है, क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल का काम क्या है? इसका काम मेन फंक्शन जो है वो प्लांट के अपर लेयर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह या ऐसे डस्ट पार्टिकल्स सेल्स के अंदर या प्लांट के अंदर इंटर ना हो जाए या प्लांट्स को डैमेज ना कर दें, तो उसको रोकने के लिए ये जो है वो क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है। अब ये फैटी का मतलब होता है, आपने देखा होगा फैट ऑयल जो है वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो इसी तरीके से एक हद तक पानी की एब्जॉर्प्शन करते हैं ये, इससे ज़्यादा पानी की एब्जॉर्प्शन ये नहीं करते। यानी बारिश का अगर पानी पत्तों पर पड़ता है तो इसके पोर्स बिल्कुल ओपन नहीं होते, बल्कि फिसल का पानी जो है वो पत्तों से गिर जाता है। ये इसी की वजह, ये मेन वजह है कि ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड से, जिससे क्यूटिकल की लेयर स्लिपरी होती है। अब बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज जो है वो इसमें मौजूद होते हैं, पत्तों के ऊपर वाली लेयर के पास अलावा ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये तनों में भी मौजूद होते हैं, तनों की ऊपर वाली लेयर को भी बनाते हैं, जिसे एपिडर्मल कहा जाता है। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट है, हमारे टिश्यूज कहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज नाम से समझ आ रही है कि ग्राउंड यानी नीचे वाली लेयर, एपिडर्मस से जो नीचे लेयर होती है उसे ग्राउंड टिश्यूज कहा जाता है। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये मेसोफिल सेल्स में, प्लांट्स के पत्तों में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पर ये, इनको हम जो है वो ग्राउंड टिश्यूज़ कह सकते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड टिश्यूज़ किन से मिलकर बनते हैं, पहले हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ किस से मिलकर बने हुए होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ मिलकर बने हुए होते हैं पैरेन्काइमेटिक सेल्स से। ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स क्या हैं? पैरेन्काइमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें जो है वो एक बार एबिलिटी होती है डिवीजन की, और ये
थिक वॉल होते हैं और ये इनमें जो है ये गोल और राउंडेड होते हैं। इनके दरमियान में इंट्रा सेलुलर स्पेसिस मौजूद होती हैं। पहले मैंने आपको बताया था मेरिस्टमैटिक में इंट्रा सेलुलर स्पेसिस मौजूद नहीं होती, लेकिन पैरेन्काइमेटिक सेल्स में इंट्रा सेलुलर स्पेसिस मौजूद होती है। मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और ये फ्लैट होते हैं, इनके बीच में जो है ये देखें चपटे होते हैं। ये यहाँ पर ये क्या है, इंट्रा सेलुलर स्पेसिस है। ये क्या है, इंट्रा सेलुलर स्पेस। यहाँ पर इंट्रा सेलुलर स्पेस होने की वजह क्या है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का प्रोसीजर भी कर रहे होते हैं अपने बॉडी में से, जो है वो गैसेस के साथ साथ पानी एवेपरेट भी कर रहे होते हैं। तो ये तमाम गैसेस कहाँ से पर एब्जॉर्ब होती हैं, ये इंट्रा सेलुलर स्पेसिस में जो है जज्ब होती हैं, जिससे जो है वो प्लांट ट्रांसपायरेशन का अमल करते हैं, रेस्पायरेशन का अमल करते हैं। अब बात करते हैं पैरेन्काइमेटिक सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं। मैंने आपको बताया कि पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो हैं वो मीजोफिल सेल्स के दरमियान में होते हैं। मीजोफिल सेल्स को ही पैरेन्काइमेटिक सेल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका मीजोफिल सेल्स का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करना। और ये सबसे ज़्यादा पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो हैं वो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। जाहिर सी बात आपने देखा होगा कि दरख्त में सबसे ज़्यादा क्या, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स के लीव्स। तो जितने ज़्यादा लीव्स होंगे उतने ही मीजोफिल सेल्स मौजूद होंगे। तो मीजोफिल सेल्स ज़्यादा होंगे तो क्या है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो रहा होता है, कंटिन्यूसली हो रहा होता है। तो इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में हेल्प करना। इसके अलावा बात करते हैं क्या तमाम पूरे बॉडी में सिर्फ मीजोफिल सेल्स में ही एक पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं। जी नहीं, मीजोफिल सेल्स के अलावा दूसरे पार्ट्स में भी ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं। और ये वहाँ पर क्या काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए प्रोटीन जितना ज़रूरी होता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी होती है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है वो किस पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती है, मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो अभी बात करते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। प्लस रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं पैरेन्काइमेटिक सेल। अब यहां पर मैंने आप लोगों को ग्राउंड टिश्यूज एक्सप्लेन कर दी है। अब हम अगली टाइप पर चलते हैं। इसकी थर्ड टाइप है सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज नाम से पता चल रहा है, सपोर्ट यानी किसी चीज़ को सपोर्ट करना, यानी एक सहारा देना। जिस तरीके से एक ज़मीन में दरख्त जो है वो जिस तरीके से खड़ा रहता है, स्ट्रेट रहता है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं ये सपोर्टिंग टिश्यूज किन सेल्स से मिलकर बनते हैं। ये सपोर्टिंग टिश्यूज दो तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं। एक है कॉलनकाइमा, दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा। कॉलनकाइमा की बात करते हैं। कॉलनकाइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। इनमें जो है वो इलोंगेशन होती है और थिक वॉल होते हैं। थिक वॉल के साथ साथ इनमें क्या होता है, एक लेगनिन मटेरियल होता है। लेगनिन मटेरियल की वजह से इनमें सख्ती मौजूद होती है, सख्ती यानी हार्डनेस मौजूद होती है कॉलनकाइमा की वजह से। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, कॉलनकाइमेटिक सेल्स जो हैं ये पौधों के जाइलम टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं, यानी पौधे के जाइलम में जो है ये कॉलनकाइमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पर मौजूद होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है नॉट डिवीजन की, पर इसमें डिवीजन जो है वो नहीं होती है। ऐसे सेल्स जिनमें डिवीजन नहीं होती है, इनमें डिवीजन की बात करें तो इनमें जब डिवीजन नहीं होती तो ये हार्ड होते हैं, सख्त हो जाते हैं। और इसके जैसे हम कह सकते हैं ब्रैकेट्स यानी दरख्तों की छाल बनाते हैं, यानी बिल्कुल जब दरख्त बिल्कुल स्ट्रेट यानी एजिंग में आ जाते हैं तो एक सर्कल्स बनाते हैं जिससे प्लांट्स की एज मालूम की जाती है। तो ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, इनको स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स कहा जाता है। और इनमें एबिलिटी नहीं होती है डिवीजन की, मजीद तकसीम ये नहीं हो सकते। और इसकी मेन वजह क्या है, लेगनिन।
लेग्निन की वजह से ये हार्ड होते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।